पहले कि आप ज्वाइन करें, करेंगे। अच्छा, आज हमारे साथ मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त और फैन भी हूँ। और उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि वो गाने लिखते हैं एज ए सॉन्ग राइटर, जहाँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो लोग उन लोगों को पज़ीराई मिले कि जो अपने गाने खुद लिखते हैं और सॉन्ग राइटिंग तो बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। तो आज हमारे साथ हैं बिलाल सईद, और बिलाल सईद के लिए कोई आपके पास सवाल हो तो हम लोग अभी सवाल ले सकते हैं कि कुछ पूछना चाह रहे हैं। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क बिलाल सईद से, तो मैं बिलाल से पूछ लूंगा। तो बिलाल बस थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे लाइव कमेंट्स के अंदर जो भी सवालात आपके होंगे वो मैं अभी से नोट डाउन कर लूँगा और मैं बिलाल से वो आपके सामने लाइव पूछ लूँगा। एंड जी विशाल सिंह, बिलाल इज ऑन इट्स वे, आने वाले रास्ते में, बस पहुंचने वाले हैं। एंड जितने भी बिलाल सईद के फैन हैं वो सारे के सारे आ जाएं और इस लाइव चैट का हिस्सा बने। तो बेसिकली हम लोग चूंकि आइडल ऑनलाइन की निस्बत से आज हम बात करेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क बन चुका है होस्ट करना, और मैंने कभी भी, बल्कि शायद आइंदा नहीं करूँगा, लेकिन होस्टिंग बहुत मुश्किल काम है और मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं हम लोग अक्सर टीवी पे देखते थे लोगों को कि वो होस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा ये क्या काम है, बहुत इजी है, लेकिन होस्टिंग इज़ हेल्फ अ जॉब, बड़ी बड़ा काम है। आपको आपके अल्फाज का चुनाव और कितना कैजुअल रखना है, कितना फॉर्मल रखना है, उन सब चीज़ों का एक बैलेंस होता है, तो जो कि मैं वक्त का सीख रहा हूँ। क्योंकि आइडल ऑनलाइन जो है वो मेरे बड़े दिल के करीब है और मैं चाहता हूँ कि मैं पर्सनली अपना सारे इंटरेस्ट के साथ उसके अंदर पार्टिसिपेट करूं। और एक आया है फिजा हया, जब तक बिलाल नहीं आते तो मैं गाना सुनाऊंगा। ओके, नहीं आप सवाल पूछ लेना, गाना गाना हम साथ गा लेंगे। बिलाल सईद का नेक्स्ट ट्रैक किस महीने आएगा? एंड वांट टू सी बिलाल थिंक। ऑलराइट यार, मैं सुबह से वो गाना गा रहा हूँ आजकल, आजकल नहीं कल परसों मैंने सुना है, तो अभी भी मैं गा रहा था आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। ये कुछ हुआ है, आई थिंक लाइट चली गई और वो जनरेटर ऑन होना चाहते हैं, उनकी आवाज है। प्रिंस खान कह रहे हैं प्लीज ब्रो बिलाल को बोलना एक कॉन्सर्ट इंडिया करो। यार कॉन्सर्ट तो अच्छे होने चाहिए, हालात हालात तो अच्छे हों, हालात ही नहीं अच्छे होते जल्दी, जैसे कुछ हल्की सी बेहतरी आती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इतना अनहेल्दी है, तो आर्टिस्टों के लिए स्पेशली। और हम दुआ करते हैं कि ये चीज़ें हमारे बीच में नॉर्मल हों, तो वो भी कॉन्सर्ट करने आए, हम भी कॉन्सर्ट करने जाएँ। एथलीट एक्सचेंज ऑफ, जो एक्सचेंज ऑफ आर्ट है वो बहुत लाजमी है कल्चर का, ये सॉफ्ट इमेज एक पोर्ट्रे करता है और ये होना चाहिए। मेरे गाने जी, बहुत सारे आर्टिस्ट के गाने हैं, मेरे भी गाने थोड़े से अभी होल्ड पे हैं जो आजकल सिचुएशन के हिसाब से, बिकॉज मेरे तो वीडियो मैंने बड़े आउटडोर प्लान किए हुए थे, तो वी आर नॉट गोइंग फॉर द शूट, अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है, अभी होल्ड पे हैं। बट बहुत सारे गाने ऑलरेडी हम लोग स्टूडियो में बना रहे हैं, बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, तो इस टाइम को मैं चाह रहा हूँ कि इस टाइम में जितना क्रिएटिव आप हो सकते हो उसका बेनिफिट लें और गाने बनाते रहें। और सडनली इंशाल्लाह आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, फिर आइडल ऑनलाइन के गाने भी आएंगे और साथ में मेरे पर्सनल गाने भी आएंगे, तो लॉट ऑफ लॉट्स का काम इंशाल्लाह ताला, तो आप देखेंगे। मैं बीच में, आपके हॉबीज क्या हैं शुजा सर? फिल्जा है बात। मेरे हॉबीज यार, मेरा हॉबी एक ही है, तो मैं म्यूजिक बनाना मेरा शौक है,
और दूसरा PS4 गेम्स, तो गेम्स मेरा बड़ा शौक है। मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आई लाइक वॉचिंग हॉरर मूवीज, मुझे जॉम्बी वाली सीरीज मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे ड्रामा देखना इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे एक्शन और एडवेंचर साईफाई मुझे इस तरीके से अच्छी लगती है। तुम मस्त, तुम खुदा बट कश्मीरी फेवरेट सिंगर। मेरे फेवरेट सिंगर आपको शायद उनका नहीं पता होगा क्योंकि पाकिस्तान में सजाद भाई हैं, बिलाल मेरा बड़ा अच्छा मेरा फेवरेट सिंगर है, उमेर मेरे बड़े अच्छे फेवरेट मेरे फेवरेट सिंगर हैं, अहमद बहुत अच्छा गाते हैं, अली जफर का मैं मदा हूँ, और बहुत सारे हैं। लेकिन हम मैं ज्यादातर सिंगर को सिंगर का म्यूजिक इतना नहीं सुनता, सिंगर वाला म्यूजिक इतना नहीं सुनता मैं, इंस्ट्रूमेंटल्स हो गए या कोई ऐसे आर्टिस्ट जो अपना म्यूजिक खुद बनाते हैं और उसके अंदर थीम्स होती हैं, जिस तरह जॉन विलियम्स है, हेनरी मंचिनी है, स्टिंग है, तो इस तरह के लोग। सिंगा अल्लाह जाने मैनू की पता, हर केड़ी हो गई ये खता, लख वार मनावा सोना यार बुलावा, क्यों चुप बने रे उते का, मैं था मर ता 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 मैं था मर। कुछ सवाल पूछ लें क्योंकि सिंगिंग का प्लीज। मैंने स्ट्रिंग्स के साथ बड़ा काम किया जी, मैंने स्ट्रिंग्स के साथ बहुत सारा काम किया, एंड और वो कोलैबोरेशन ही रही है, कभी मैंने उनके गाने अरेंज भी किए, एक कोक भी उनके साथ काम किया, तो मेरा ये ख्वाब है, इनफैक्ट मेरा गाना था तो मैं ऑलरेडी वॉन्टेड स्ट्रिंग्स के साथ वो कोलैबोरेट करूँ, लेकिन उनके कुछ हैं, उनका अपना एक स्टाइल है, उनके अपना एक तरीका है काम करने का, तो मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात होगी इफ आई डू एनीथिंग विद स्ट्रिंग्स, कोई कोलैबोरेशन हो। सो गाइस, हमारे पास बस बिलाल आने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं। बिलाल का मुझे बिलाल के बारे में मुझे हमेशा लगता था कि बहुत फॉलोइंग है बिलाल की, और स्पेशली इंडिया में, कनाडा, यूके, अमेरिका में, पाकिस्तान में, हर जगह बहुत फॉलोइंग है, तो मैंने हमेशा ये सोचा कि बिलाल एक हमारा शो है, एक हमारा कॉर्पोरेट शो है, तो उसमें बिलाल क्यों नहीं आए अभी तक, तो बिकॉज बिलाल हो गए, फलक शबीर हो गए, और बहुत सारे ऐसे हमारे वो सितारे हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं कि जो इनकी बहुत बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, तो और वो इसलिए कि उन्होंने इनकी अनथक मेहनत है, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, इनके बहुत सारे गाने हिट हैं, तो मैं खुद भी बिलाल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, बिकॉज अभी बहुत रिसेंटली हमारी बातचीत शुरू हुई, लास्ट टाइम जब हमने मिले थे तो उन्होंने बिरयानी खाई थी, उसके बारे में बात करेंगे, मैंने बिरयानी मंगाई थी बिलाल के लिए तो हमने खाई थी, बड़ी मजेदार। इस बात का जवाब बिलाल सईद को कोक स्टूडियो वाले क्यों नहीं लेते, इस बात का जवाब हम लोग बिलाल सईद से खुद लेंगे, बिलाल जैसे आते हैं तो हम उनसे खुद बात करेंगे, उनसे पूछेंगे भी। सो अच्छा है, काफी सवाल आपके आ गए हैं। से समथिंग अबाउट आतिफ असलम, यार आतिफ असलम के बारे में क्या कहूँ, उनके अल्फाज नहीं है आतिफ को किस तरीके से, क्योंकि आतिफ की जो पूरी स्ट्रगल है, आतिफ की जो पूरी जर्नी है, और वो उसमें सिर्फ स्टार्डम नहीं है, आतिफ की जर्नी में स्टार्डम के साथ साथ उतना ही लर्निंग भी है, उतनी मेहनत भी है, आतिफ जब मेहनत कर रहे होंगे शायद उस वक्त ही सुपरस्टार बन गए थे, तो सोचे कि कितनी बड़ी लेगेसी, कितनी बड़ी सॉरी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आतिफ के ऊपर होगी कि वो मशहूर हो चुके हैं, लेकिन अब उनको उसको डिलीवर भी करना है, तो आतिफ ने जो शुरू से लेके आज तक जितना काम किया उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत करते रहे, बहुत मेहनत करते रहे, और बड़े वर्सटाइल सिंगर है माशाल्लाह, एंड बड़ा फख हमारा तो फख्र है, आतिफ असलम पाकिस्तानी हमारे दुनिया में माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, तो हमारा फख्र है। लव योर ओस्टी फ्रॉम अलिफ, थैंक यू सो मच। डू यू कोलैब विद बिलाल सईद अपकमिंग सीजन, मैं तो चाहता हूँ जी बिलाल सईद के साथ कोलैबोरेट करें, और आज हम लोग अपने कोलैबोरेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है आइडल ऑनलाइन, उसके उसका बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है, और हम लोग किस तरीके से हमारा वो टैलेंट जिसको रसाई नहीं है, जिसको एक्सेस नहीं है,
हम किस तरीके से उनको एक पुश एक क्रिएट कर सकते हैं जिससे उनको एक पुश मिले और वो अपने शौक को अपने पैशन को फॉलो कर सकें। तो बेसिकली उसके ऊपर बात करेंगे, उसके लिए कुछ हम लोग टिप्स लेंगे बिलाल सईद से इंशाल्लाह। और क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट रातों रात जो बन जाते हैं, शायद आपने देखे हो लेकिन मैंने रातों रात बनने वाले नहीं देखे, बहुत मेहनत होती है, अनथक मेहनत होती है। और उस मेहनत के बारे में हम लोग बिलाल से पूछेंगे कि बिलाल की पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट पर्सनली ऑनेस्टली मुझे खुद बिलाल से बहुत सारी चीज़ें पूछनी हैं। फिर लास्ट जब हम लोग मिले थे तो हमने इतनी ज़्यादा गुफ्तगू, क्योंकि हज़ार से बात है, 2-3 घंटे के लिए मिले थे, लेकिन अब और गुफ्तगू करेंगे और वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। एडमिन, व्हाट्स द स्टेटस? You're here in about 2 minutes. Okay. And do you ever give music in India? मैंने एक दफा म्यूजिक किया था इंडिया में, रूबरू फिल्म थी और श्रेया घोषाल के साथ काम किया था। मुझे आज भी बड़ा आज भी याद है, कॉस्मिक वाइब्रेशन में हमने रिकॉर्ड किया था बॉम्बे में, बैंड्रा में। और मुझे वो श्रेया के साथ वो एक पूरी वॉक याद है, हमने कोई आधा एक घंटा वॉक करके हम लोग खाना खाने गए थे, श्रेया घोषाल और कुछ लोग थे साथ में। तो वंडरफुल एक्सपीरियंस, बड़ी बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत प्यार करने वाले लोग थे और हमेशा याद रहेगा। निकल पड़ा मैं पर फैलाए, थक गया हूं दिल बहलाए, आतिश लगी और तिश्नगी, सीना ये मेरा क्यों जलाए, अलिफ पस पस पस। और कुछ सवाल आप पूछने तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। देखिए म्यूजिक इंडस्ट्री में भी आया सवाल है, क्योंकि तो म्यूजिक इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स उतार चढ़ाव होते हैं हर जगह पर, आपको आपकी आपकी कामयाबी के दुश्मन मिलते हैं, हर जगह आपकी कामयाबी को सेलिब्रेट करने वाले मिलते हैं। तो वो जो बैलेंस होता है वो आपको खुद कायम रखना पड़ता है। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, अगर इसकी फिक्र में लग गए या हम लोग ये इस चीज़ को एक्सक्यूज बना लें कि यार मैं कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये लोग पॉसिबल नहीं होने दे रहे, ये लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, तो ट्रस्ट मी एक वक्त आता है कि ये एक्सक्यूज बन जाता है। तो आपकी मेहनत, आपका फोकस, आपका पैशन, आपकी करेज और आपकी खामोशी, साइलेंस, चुप करके अपना काम करें और आगे बढ़ें। रबी निसार इज इन सीक्रेट फोल्डर। नहीं यार, उस हेब ने एक आई थिंक उस बीटीएस में कोकी बीटीएस में हमने सीक्रेट फोल्डर था, तो सीक्रेट फोल्डर तो मुझे कुछ और ही समझ में आया, पर सीक्रेट फोल्डर नहीं है। मुझे मेरे इस फोन के अंदर मेरे सारे वॉइस नोट्स और नोट रिकॉर्डर के ऊपर मैं अपना रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो मुझे वो याद रहता है, भूल जाता हूँ तो मैं जाकर लिख लेता हूँ। सजाद अदर खान ने हमें मशवरा भी दिया है और साथ में वो होस्ट करना चाह रहे हैं। देखिए होस्ट और ये हमारी सारी प्रोग्रामिंग जो होगी ना, इंशाल्लाह वो सीजन 2 से शुरू होगी। ये हमारा पायलट रन है, हम लोग अभी बहुत कैजुअल इसको लेके चल रहे हैं। मैं होस्ट कर रहा हूँ जो मैंने कभी पहले नहीं किया, और होस्टिंग बेसिकली क्या, लाइव चैट आजकल सब लोग कर रहे हैं। बहरहाल तो नेक्स्ट सीजन से हमारे पास होस्ट भी होंगे, हमारा एक पूरा फॉर्मेट होगा, उसकी हम लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे और इंशाल्लाह ताला। सो अब नेक्स्ट सीजन तक अगर इसकी कामयाबी बड़ी डिपेंड करती है हमारे सीजन 2 के लिए, और इसको आप लोगों ने कामयाब बनाना है, और मैं चाह रहा हूँ कि कामयाब भी वो हो जिसमें आप उन गानों को जरूर सुनेगा कि जो हम लोग ओरिजिनल गाने बनाएंगे आइडन ऑनलाइन के लिए। तो बस अब थोड़ी देर में बिलाल हमारे पास आने वाले हैं, और आज हमारे पास 1 घंटा होगा जिसमें हम लोग बिलाल के साथ
हाँ अच्छा वजाहत न्याज सब्जेक्ट्स हुए। वजाहत न्याज बड़ी आपने देखें ऑन योर ओन, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऑन यू नो टीम वर्क होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, जो कामयाब होते हैं, वो ऑन योर ओन के ऊपर बिलीव करते हैं। तो और म्यूजिक में स्पेशली आपके दुख की बात या आपकी खुशी की बात या आप जो अपना इजहार करना चाहते हैं अपने आर्ट के थ्रू, वो आपसे बेहतर कोई तीसरा शायर शायद नहीं बता सकता। तो मैं समझता हूँ कि म्यूजिक में तो आपको 70% खुद करना पड़ता है और 30% आप दूसरों की मदद से उस चीज पे काम करते हो। तो सबसे पहले आपने खुद, हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम अपने फन को उस 70% तक लेके चले जाएं। तो हर चीज मेरे भाई मेहनत फोकस लगन से होती है, और वो आप परसेंटेज होती है कि 30, मैंने 70% रखा हुआ है। मैं पूरा का पूरा गाना बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन बट विदाउट टीम वो नहीं हो पाता। लेकिन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो, यार मैंने गाना लिखना है, मैंने मेलोडी बनानी है, मैंने इसके ऑर्डर बनाना है, और मैं इसके बाद उसको प्रोग्राम में ऐसे कराऊंगा। तो ये ऐसे होता है, हर चीज कोई खुद नहीं कर सकता, लेकिन आपकी कोई चीज होगी तो उसमें आपकी मैक्सिमम इनपुट काउंट होगी और वो चीज आपकी कहलाएगी, उस पर आपका सिग्नेचर आएगा। सो दैट इज म्यूजिक में। ऑन आर ऑन की क्या आपने बात की थी, इसके बारे में दोबारा समझूंगा, लेकिन म्यूजिक में ये चीज अप्लाई होती है, जैसे मैंने भी कहा। मेरा फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेस गिटार है जी, बेस गिटार। मैं बेसिकली मैं एक बेसिस्ट हूँ, मैंने बहुत सारी बेस बजाई है, मैंने आपकी याद में बहुत मशहूर गाना है उसमें मैंने बेस गिटार बजाया। तो बेस गिटार मेरा बेसिकली इंस्ट्रूमेंट रहा है, मैं बेस गिटार से फिर मैं म्यूजिक डायरेक्शन में आया हूँ, उसके बाद सिंगर में भी आया हूँ। या मैन द लास्ट ऑफ अस विशाल सिंह, 7 साल वेट किया द लास्ट ऑफ अस का, और अब खैर फाइनली खत्म कर दी। मैं 10 दिन में खत्म कर दी, बल्कि शायद 8 दिन में खत्म कर दी। एंड बस अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला बिलाल आने वाले हैं। तो 8 days, यस yes, वो और वो ऐसे खेले के देर देर तक खेलते रहे, देर तक खेलते रहे, और वो ऐसे ही बार बार। और मैंने तो सर्वाइवल मोड पे खेली है, बिकॉज पहले तो गेम से मुझे पता था ना इसके बारे में, आई न्यू, तो उसकी सारी जो भी वेपन्स थे वो सब चीजें मैंने ले ली। आई थिंक इज जय। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई जान? ठीक ठाक हैं? सर मैं जबरदस्त। आपको आवाज आ रही मेरी सही? बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है, बल्कि मुझे कम करनी पड़ी। आप बताएं, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं एक्चुअली अभी अभी उठा ही था, तो मैंने इधर बेड पे छोटा सा सेटअप बना लिया। मैंने कहा चलें यार, अच्छा तो कोई चलेगा नहीं। भाई, हाँ आपके फैंस ने एक तो यहाँ पर भी बहुत सारे मैसेजेस थे, लेकिन इंस्टा पे कब आएंगे, किस वक्त आएंगे, क्या सवाल, बहुत सारे सवाल बिलाल आपके लिए हमारे हमारे पास आके। लेकिन उससे पहले बिलाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज बता रहा था कि जब लास्ट टाइम मैं और बिलाल मिले थे हमने बिरयानी खाई थी, याद है? हाय हाय, मैंने बड़ी फरमाइश करके आपसे कहा था कि यार कराची की बिरयानी खिला दे मुझे, बड़ा कराची की सुना। बिरयानी, तो मैंने हाँ, मैंने कहा कराची की बिरयानी तो फिर कराची की बिरयानी है, तो वो हमने खाई। बिलाल कैसे, बड़ी लाहौर में? जी, मैं लाहौर में। लाहौर में क्या चल रहा है? बारी तो यार क्या गाना है भाई, बारी तो जिधर जिधर जाओ उधर बारी नजर आती। पहले बुआ नजर आती थी, उन बारी नजर आ रही थी ते माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी होती है बिलाल। और वह बता रहा था कि जिस तरीके से आप खुद अपने गानों को लिखते हैं, मेलोडी धुन म्यूजिक तो चलो बन जाता है बिलाल, लेकिन वो जो थॉट होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और माशाल्लाह आई थिंक आपने उस थॉट के ऊपर बड़ा काम करते हैं, कि जो जो गाने का एक्चुअल क्राफ्ट है उस पर बड़ा काम करते हैं। बिलाल सारे सवाल छोड़े, मुझे बिलाल सईद का ए क्या है और बिलाल सईद का जी क्या है, आप समझ रहे हैं? शुरुआत क्या थी बिलाल सईद की, बिलाल कैसे बिलाल सईद बन गया, ये क्या हुआ, ये कब पता चला कि आई डोंट थिंक दैट यू बिलोंग, आप म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हो, ऐसा तो नहीं, नहीं मैं ना? म्यूजिक तो नहीं, म्यूजिक ये खुद एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल
बात है लोगों के लिए कि जो आप म्यूजिकल फैमिली से भी नहीं है और माशाल्लाह ये मुकाम अल्लाह ताला ने आपको दिया। तो सर बताएं कि क्या से शुरू हुआ, बिलाल सईद साहब कैसे आए, क्या हुआ? सर बेसिकली थोड़ी स्टोरी थोड़ी सी लंबी है ए टू जी तक, लेकिन कहीं ना कहीं ए से पहुंचने की कोशिश करता हूं आपके साथ। ठीक है, उसी वापस कर दो, ए ही आई ओ यू कर दो उसी, है ना। चलिए वापस करने की ट्राई करते हैं। सर मैं बेसिकली शाहकोट से बिलोंग करता हूं और मुझे याद पड़ता है कि बचपन में ना मैं, मुझे तो खैर मैंने कुरान पाक हिफ्ज की और मुझे तो हाफिज बिलाल सईद बनाने की पूरी जो है वो तैयारी थी और मैंने किया भी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक की तरफ बहुत था। इवन के ड्यूरिंग दैट टाइम भी मैं अपनी पॉकेट मनी से हमेशा जाके कैसेट्स ही खरीदता था और अच्छा। वही सुन रहा था। हाँ, और फिर वो जब मैं स्कूल में वापस गया, क्योंकि फिफ्थ में मैंने छोड़ दिया था और फिर मैं मदरसे चला गया, जब एट में वापस गया स्कूल, देन आई रियलाइज के बहुत ज्यादा हो रहा था म्यूजिक का ना, देन आई स्पोक टू माई डैड कि मुझे ना जी सिंगर बनना है, तो उन्होंने हाफिज बनाया, उन्होंने कहा कि हो गया पुत्र। तो वहां से फिर मैंने उनको सिर्फ कहा कि देखिए मुझे शौक है और मैं पढ़ाई भी साथ जारी रखूंगा, आप मुझे सिर्फ करने दें। और मैं हमेशा कहता हूँ अब्बू की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने करने दिया, और लिटरली उनके वर्ड भी ये थे कि मैं सिर्फ इसलिए करने दे रहा हूँ तुझे, तू कल को ये ना कहे कि जी मैं कुछ बन सकता था, आपने मुझे रोक दिया। तो बाकी उन्होंने कहा कि साढ़े तेन बाकी सलाम ही है, तो कर सकना तो कर लिया। अच्छा बिलाल, ये थोड़ा सा ना उसमें भी जाता है कि जैसे अब म्यूजिक को स्पेशली आपको पता है कि म्यूजिक को पाकिस्तान में और हमारी अक्सर जो हमारी एक हमारे रिलीजियस बिलीफ है और उसके हिसाब से फिर हमारा कल्चर हमारे ट्रेडिशन, तो उसमें जी फनकार को बड़ी एक फनकार की एक तो शोहरत की तरफ जाना, तरक्की की तरफ जाना, कामयाबी की तरफ जाने की एक स्ट्रगल होती है और एक एक सोसाइटी के साथ भी जंग होती है, ये भी एक होता है कि अपनी फैमिली में और जहां से आपको, तो उस चीज को हाफिज हाफिज कुरान से बिलाल सईद को बहुत ज्यादा आई थिंक बोलने पुश दीवार को खींच रहे थे, खेल रहे थे आप, राइट? ऐसा था कुछ या बहुत ज्यादा प्रेशर था ना? वैसे नॉर्मली ही प्रेशर बहुत होता है, देखिए सीधी बात है, सिंगर को यहाँ पे कहते हैं और यार मरासी वाला काम है ये वो जो भी, एक अभी आके मेंटेलिटी चेंज हो रही है, चेंज हो रही पर उल्टा फिर उसके ऑपोजिट ये है कि मतलब मैं बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में था और देन उनको कन्विंस करना कि यू नो आई कैन एक्चुअली डू दिस टू, और जरूरी नहीं है मेरे रिलीजियस होने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिंगिंग छोड़ दूं, और थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है जो भी है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे जब अभी यकीन माने कुछ लोग जब मैसेजेस करके बोलते हैं ना कि मैंने भी हिफ्ज किया है, एंड देन आई टोल्ड माय डैड आई वांट टू बी अ सिंगर, तो उन्होंने कहा तुम तो हाफिज हो तो मेरी एग्जांपल देते हैं, मैं कहा तुम मैंने भी तो नहीं पाओगे बीच। ओए हो, अच्छा मुझे मुझे एक एक बड़ा आपसे हमेशा लास्ट टाइम भी जब आए थे तो आई थिंक मैंने पूछना चाहा था बिलाल, बिलाल बहुत सारे लोग होते हैं कि जो दूसरों के ऊपर रिलाय करते हैं, यार ये कर देगा मेरा काम, वो मेरा काम कर देगा, यार वो लिख देगा गाना मेरा, यार मेरा वो उससे मैं जाके करा लूंगा, लेकिन जब बिलाल किसी के साथ जाके काम करता है लेकिन उससे पहले बिलाल को पता है कि मैंने क्या करना है, अब आपके पेपर पे लिखा होता है कि बिलाल ने कितना काम करना है इस गाने में, वो डिफाइन करता है कि बिलाल का कितना आउटपुट है, इनपुट है गाने में और कितना सिग्नेचर आपने आपका आना चाहिए उसके अंदर। तो बिलाल वो आप किसी भी के साथ कोलैबोरेट जब करते हैं, जाहिर सी बात है मैं भी काम करता हूँ तो मेरे भी यू नो भाई कभी मेरे गाने प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्रामिंग आप कराते रहते हैं, लेकिन सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या आला प्रोग्रामिंग करते हैं, वो क्या म्यूजिशियन है आपके भाई, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छा मजेदार बंदा है वो, के मजा ही आ गया, मतलब फुल दिल खोल के वो गपशप हुई, एंड आई वाज लाइक यार टू मच टू लर्न फ्रॉम दिस पर्सन, ही इज सच अ ग्रेट म्यूजिशियन, ही इज अमेजिंग, शानी हैदर, नकाश हैदर शानी अमेजिंग है, तो मेरे काफी गाने उन्होंने प्रोग्राम किए और मैं जाके बस बैठ जाता हूँ, मुझे मैं गाना बना बनू के सब चीजें करके, यार आप इसे आपको असल में तो मुझे ज्यादा टाइम वो 30% पे लगता है, 70% वाला तो मैं एकदम से कर जाता हूँ क्योंकि वो खुद बनाना है, तो आपको पता है आमद आ रही होती है, यू जस्ट सिटिंग देयर, यू जस्ट मेक बीट स्ट्रक्चर सब हो गया, पर अब उसके जो फिर आगे जो फाइनल टचअप्स होते हैं ना वो हमेशा मुझे फंसा देते हैं, क्योंकि मेरा क्योंकि मेरी ना फिर मैं अपनी वो शिफ्ट कर जाता हूँ दूसरे गाने पे, आई वांट टू मेक अनदर सॉन्ग,
तो मेरा दिल नहीं करता मैं इस पे काम करूं, तो इसलिए फाइनली मेरे साथ बड़े अच्छे एक मेरे अरेंजर है एलेक्स, ही अरेंजेस म्यूजिक विद मी नाउ रिसेंटली, मैंने उनके साथ म्यूजिक अरेंज करना स्टार्ट किया, तो वो मेरी हेल्प कर देता है काफी सारी, और मेरे घर में 3 कुत्ते हैं, सो यू प्रोबब्ली हियर देम अ लॉट, प्लीज इग्नोर, मेरा भी सामने बैठा हुआ है चल रहा है उसका, तो अच्छा बिलाल वो सही है माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये मेरे साथ भी ऐसा है कि गाना मुझे शक्ल पता चलेगी ना, अब अंदर से हो रहा है कि यार अब दूसरी चीजें पे काम करो यार, अब एक पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज हम लोग इतना सोच लेते हैं गाने को वहां तक ले जाते हैं माशाल्लाह कि उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़े जल्दी से। अच्छा बिलाल हम लोग कर रहे हैं आइडल ऑनलाइन, एक छोटा सा हमारा एक प्रोग्राम हमने शुरू किया छोटा सा, ये कोविड के जमाने में और चल रहा था, तो मैंने कहा यार चलो यार कोई ऐसा कुछ करिए कि मजा आए थोड़ा सा, कुछ लोगों को गैदर करते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा अच्छा, तो उसमें जो भी हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जहां जहां पे कोई भी म्यूजिक करना चाहता है, तो हम उनको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं, किसी को हम लोग चाहते हैं कि आए आप गाएं, और जो उनमें से बहुत अच्छे हैं तो हम चाहेंगे उनका एक दो गाने भी बना दें, तो वो गाने बना के हम लोग उनको यूट्यूब पे भी लेके जा सकते हैं, मैं ऑडिशन दे सकता हूं, मेरा भी गाना बना दो फिर आप एक नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਨਰ ਹੋਗਾ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕਰੇ, ਤੋ ਸਰ ਹਮਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਾਲ, ਹਮ ਉਨਕੇ ਲਈ ਕੌਨ ਸੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਤਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ, ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭੀ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਜੀਟਲੀ ਜੋ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੇ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ वो बड़े प्रोटेक्ट हो गए हैं। आप देखें ना मेरा गाना उठा के कोई भी कहीं भी बैठा हो, पहले तो ऐसे होता था गाना किसी ने गाया, किसी ने उठा के उन्होंने इंडिया में छाप दिए, उसने कहीं पे छाप दिया, कोई कुछ कर नहीं सकता था, आपको पता है राइट्स की ऐसी गेम है, और जैसे कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम आपका यूट्यूब से होता है, चले बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह है, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म आने से क्या हुआ कि एक्सक्यूजेस खत्म हो गई, एक तो जिसमें थोड़ी सी भी कोई बात है जिसमें अपनी कोई बात, तो वो जरा सी आपको इतना, मेरा अपना गाना जो फर्स्ट था मैंने यूट्यूब पे इस तरह फेंका था और वो चलते 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 निकल गया, तो एक तो ये है कि फ्यूचर सिक्योर है डिजिटल की वजह से, और दूसरा मुझे लगता है कि एक अब इंटरनेशनल रीच आपकी, अब गाने की ट्रैवल करने का टाइम जो है, पहले अगर एक गाने को कहीं पहुंचने में 2 साल या 2 महीने लगते थे, अभी वो 2 हफ्ते में इतनी ऑडियंस तक पहुंच सकता है, आर्टिस्ट में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए वो है उसकी इंडिविजुअलिटी, उसका अपना हाउ, उसका अपना क्या सिग्नेचर है, लाइक हाउ ही फील्स अबाउट म्यूजिक, और वो हर किसी को बहुत क्लियर होना चाहिए, तो आपको तो पता है जब एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास भी लेके जाते हैं लोग, मोस्टली लेके जाते हैं यार बारी जैसा गाना बना दें यार, यार यू नो कोई भी एक गाने की एग्जांपल दे देते हैं, तो वो इसका मतलब है आर्टिस्ट को पता ही नहीं उसने करना क्या है, ही शुड हैव हिज ओन यार मुझे मेरी ऐसी आवाज है, दिस इज व्हाट आई एम सिंग, और मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर तुम अपने नए टैलेंट को लेके आना चाहते हैं ना तो हमें उसको मौका देना पड़ेगा, उनको एक्सपेरिमेंट स्पेस देनी पड़ेगी, ट्रू ट्रू। अच्छा बिलाल शायरी बेसिकली जिसको मुझे लगता है कि आज भी लोग शायरी को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते गाने में जो कि शायरी की इंपॉर्टेंस है, जो कि जो लिखने वाले हैं गाने में वजन के साथ कॉन्सेप्ट के साथ एक ख्याल के साथ, उनको शायद इस बात के बारे में ज्यादा बेहतर पता होगा, शायरी का कितना अमल दखल है बिलाल, बिलाल के गाने में शायरी का कितना अमल दखल है? 80% थोड़ा सा जिस तरह हमारे जैसे आप देखें खान साहब नुसरत अली खान साहब के गाने सुने तो क्या शायरी होती थी, मतलब दिल ही खुश हो गया, और गजल जो गायकी वो तो शायरी देखे उसमें कितना बड़ा रोल है शायरी का, एक गजल के हिट होने में उसके लफ्ज का उसके अल्फाज का बहुत बड़ा रोल है, तो मुझे लगता है जो 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 लिखना लिखने वाला सीन है ना, और आजकल स्पेशली क्या हो रहा है थोड़ा सा जो लोग पहले गाने लिख रहे थे मुझे ये थोड़ा सा फील होता है कि जैसे अगर आप पंजाबी इंडस्ट्री की बात करें ना तो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री जो पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री है वो इतनी ग्रो कर गई है कि बॉलीवुड को भी उसकी जरूरत पड़ गई है कि यार हर फिल्म में देखें वो पुराने पंजाबी गाने उठा रहे हैं और डाल रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वो पंजाबी राइटर ने एक चीज नोटिस की है कि यार ये जो 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 वेस्टर्न गाने लिखते हैं ये तो ऐसे गाने लिख रहे हैं कि मैं उठा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाई मैं तुम्हारे जब लाइक व्हाइल यू वर थ्रोइंग अप आई वाज होल्डिंग योर हेयर बैक,
तो ये बातें हम अब कानों में गाना शुरू कर दें तो कैसी लगेंगी, लेकिन पंजाबी आपको इतनी, क्योंकि मैं ज्यादा पंजाबी में लिखता हूँ, वैसे तो उर्दू में भी लिख लेता हूँ, तो वो आजकल हमें चाहिए कि हम इस मेथड को थोड़ा सा अडॉप्ट करें कि जो प्रैक्टिकल चीजें उनको गानों में लेके आए, इंस्टेड ऑफ, क्योंकि अब की जो जनरेशन है ना, उनको नहीं पता कि यार तारे देखकर रात कैसे जागी जाती है, दिया जला के वेट कैसे किया जाता है, अच्छी खूबसूरत बातें हैं बहुत। अब ये है कि अगर जनरेटर बंद हो जाए तो मोहब्बत कैसे करनी है ना, अब ये हो गया साथ में जनरेटर भी तो लग गया ना, बंद हो गया तो मोहब्बत किससे करनी है ना, बत्ती चली जाए तेरे को तो लम्बा मैं तेरे को लम्बा कर बत्ती चली जाए तो अच्छा। नहीं बिल्कुल सही बिलाल, ये तो एब्सोल्युटली। अच्छा बिलाल बारी के बारे में बताएंगे कि बारी की बारी मुझे सच्ची सच्ची बताना है बिलाल, मैं बता रहा हूँ सच्ची, ये इसमें इसमें दो दो आने चूट भी नहीं होना चाहिए। बारी कितने दिनों में बना गाना, वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ यार। मैं ना सजा भाई पूरी रात जागा हुआ था, सच्ची बात है, दोस्त बैठे हुए थे पूरी रात ऐसे जैम जैम कर रहे थे, और मैं सुबह घर पहुंचा तो मतलब सुबह हो गई थी, मतलब डे लाइट थी, और जैसे ही मैं घर गया तो लिटरली आई वाज गोइंग इन माय बेडरूम, और सामने ना मुझे स्टूडियो का दरवाजा खुला हुआ था, मुझे गिटार नजर आ गया, तो मैंने इट आई लिटरली फेल्ट लाइक इट्स कॉलिंग मी। मैंने कहा चल आज बैठ के कुछ बनाते हैं, ये होता है ना आपने दो तीन महीने से कुछ नहीं बनाया हुआ, यू एंड योर ओन जोन, यू विल फील लाइक क्रिएटिंग समथिंग, इट वाज वन ऑफ देम मोमेंट्स। तो मैं गिटार पकड़ा, द फर्स्ट लाइन व्हिच केम टू माय हेड वाज लाइक मैं सुनया उचियां दीवारां रखियां, एंड देन वहां से फिर मैंने उसकी स्टोरी बनानी शुरू की, और मैं सोया नहीं, और तकरीबन दोपहर के 12 बजे तक मैंने उसका ट्रैक भी बना दिया था, उसकी स्टाइल भी बना दी थी, और स्ट्रेट में मैंने मुर्तजा जो मेरे नया नया उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैं आपको चीज सुना ली। आपको पता क्या होता है जब अच्छी चीज बन जाती है, तो मैंने उसको उसी वक्त फोन किया मुर्तजा को, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, और मैंने उनको उसी वक्त गाड़ी में सुनाया, और इनिशियली डिडंट गेट इट, क्योंकि वो भी बड़ा रॉक टाइप का म्यूजिक पहले फॉलो करते रहे उनकी इस तरह की, तो वो अब ये वाले चीज डाइजेस्ट करने में उनको थोड़ा टाइम लगा, बट 3-4 दिन बाद उन्होंने मुझे खुद फोन किया, यार तो बड़ी मजेदार चीज है, मतलब मैं सुन रहा हूँ 3-4 दिन से, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। और मोमिना के साथ फीचरिंग का आइडिया भी ऐसे जहन में आया कि पहले तो मैं सोलो ही बना रहा था, बट लिटरली शुजा भाई जब मैं लिख रहा था ना तो नेचुरली वो मेरे जो लिरिक्स मेरे माइंड में आए ना, वो आए ही फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो उसका रिस्पॉन्ड करे कि हाउ शी फील्स अबाउट इट। तो मेरी जो मेलोडी का वजन होगा ना, अच्छा ए लचक कैसी होगी कि फीमेल भी आ जाती थे मेल भी आते जाता, तो एक मेलोडी भी बताती ना कि इसमें फीमेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो अक्सर मैं कहता हूं कि वजन ना वो जो गाना नहीं गा के किस मोड़ पे जाते, उन्हें किशोर साहब की लाइन तो नहीं है, किशोर साहब कैसे कहते किस मोड़ पे, अच्छी लगती है वो, लता की लचक आती है और मेलेडी बताती है आपको, वो पत्थर की हवेली, और मैं मेल मेलेडी लेकर आया वो कंपोजर, कोई डुएट गाना, तो आई थिंक वो मेलेडी भी बताती है हम लोगों को यार ये फीमेल होनी चाहिए, कभी शायरी बताती है हमें, और ये भी ये आपके कान और ऐसी आपकी समझ ऐसी होनी चाहिए। बिलाल लिटरली बारी ने बहुत अच्छा गाना है, और मेरे बच्चे भी बहुत सुनते हैं, मेरे बच्चे कोई उर्दू गाने नहीं सुनते ना पंजाबी सुनते ने बिलाल से सुनते समझे, तो वो बड़ा होता है कि आज की जनरेशन आपके म्यूजिक साथ कनेक्ट करे। अच्छा बिलाल हमारे पास टॉप 50 का राउंड चल रहा है इस वक्त आइडल ऑनलाइन पे, और माशाल्लाह यार बड़े अच्छे गाने वाले बच्चे हैं, बड़ा अच्छा गा रहे हैं, उसके वीडियोज में आपसे शेयर करूंगा आप देखिएगा, तो उनके लिए कुछ लोग गिटार पे गा रहे हैं, कुछ लोग तानपुरा लगा के गा रहे हैं, तो गाने के लिए क्या एसेंशियल है, करेक्टर ज्यादा जरूरी है कि टैलेंट ज्यादा जरूरी है गाने के लिए? ये बड़ा मुझे मुझे लगता है सबसे पहले ना, जैसे हम मैंने जब गाना स्टार्ट किया, सिंस कोई बैकग्राउंड म्यूजिक से नहीं था तो गाने सारे लिख लिए, लेकिन जब माइक पे गया तो पता नहीं था स्केल क्या होता है ना, अच्छा मैं तो लिख के बैठा हूँ और उनकी मेलेडीज भी बना के बैठा हूँ, बेसुरी सी जैसी भी मेरे दिमाग में इस वक्त पोटेंशियल थी, तो फिर क्योंकि मेरे अंदर वो थोड़ा जो नेचुरली गिफ्टेड चीज होती है ना, देखिए मुझे लगता है कि मेहनत से ऑफकोर्स हर चीज अचीव हो सकती है, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ कि यार क्या वाकई मेरे अंदर वो है, जैसे मैं क्रिकेटर बनना चाहता था पर मैंने रियलाइज कर लिया बड़ी जल्दी यार मेरे में वो बात नहीं है, मैं देखता था मेरे दोस्त छक्के मार रहे हैं, कोई बड़ी फास्ट बॉलिंग कर रहा है, मैं होता कैप्टन था हमेशा,
लेकिन बड़ा ही जैक ऑफ ऑल ट्रेड वाला चक्कर था, बैटिंग भी थोड़ी कर ली, बॉलिंग भी कर ली, फील्डिंग गाला गुला भी कट दी है, काफी कैप्टन की डेजिग्नेशन जो थी ना वो थी। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको अपने साथ ट्रू होना चाहिए कि यार क्या मेरे में नेचुरली वो है, फिर उसके बाद आई थिंक कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर टैलेंट आप मेहनत के साथ उसको आहिस्ता आहिस्ता जितना ग्रूम कर सको कर सकते हो, पर उसका अगर अगर उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं है ना, उसको उसके अंदर से कुछ निकल नहीं रहा, तो वो यही है कभी आप इतना गाएगा कभी मैं इतना गाएगा, जो गाना अच्छा सुनेगा वैसा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बिलाल, के वो कैरेक्टर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अक्सर लोग अब कोई गा रहा है कुछ सुनने की तरह गा रहा है आज जैसा, कोई कोई आते की तरह गा रहा है, लेकिन उन उनको सुन के उनसे उनके गाने का मजा लेना है, उन जैसा गाना नहीं चाहिए, अपने कैरेक्टर की बात होनी चाहिए, अपने सिग्नेचर की बात होनी चाहिए। एंड आई थिंक आई फाउंड दिस इन योर वॉइस कि बिलाल की आवाज आप किसी से नहीं मिलती है, यू नो आई थिंक बिलाल ये भी एक कुदरती एक ऐसा आंसर पाया जाता है आपके वोकल में कि अगर शायद अगर किसी से मिल रही होती ना तो बिलाल कब का पुराना हो चुका होता, आप समझ रहे हो कि यार तो ओन आइडेंटिटी आपकी अपनी आवाज जो है वही आपकी उम्र है पूरी, वही आपको आगे लेके जाएगी, वही आपकी लंबी जिंदगी करेगी इस काम में। अच्छा बिलाल एक सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा एक वो है कि बिलाल हमारे मुल्क में आज तक आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो गाने मैं समझता हूँ जो हिट हैं ज्यादातर उसमें पंजाबी हैं, सूफी गाने, सूफी ज्यादा हिट है पाकिस्तान में, सूफी गाने हो गए, फोक सूफी पंजाबी, तो बाकी के जो जॉनराज हैं जिसके अंदर फंक आता है, पॉप आता है, जिसके अंदर यू नो रॉक भी, चले रॉक तो पाकिस्तान में हो गया, लेकिन फंक पॉप और ईडीएम की एक बड़ी एक बहुत बड़ी स्पेस खाली है पाकिस्तान में, क्योंकि जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आए हैं वो सब के सब वो यही गा रहे हैं जुड़े तेरे मन वो यही चल रहा है हर जगह पे, कोई देसी ही म्यूजिक आ रहा है और पंजाबी आ रहा है या उर्दू आ रहा है, लेकिन कहीं भी थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी खुश 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 मिजाज म्यूजिक बाउंस वाला थोड़ा सा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, उससे लगता है कि हमारी जनरेशन अभी भी बहुत दूर है इसकी, मुझे अगर मुझे मुझे लगता है शायद आपको क्या लगता है कि क्या आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है ऐसी। अच्छा मुझे पता क्या लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जो कि पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म पिछले 10-11 साल से चल रहा है जो कोक स्टूडियो के नाम से हम जानते हैं, देन दे उनके पास एक ऐसी सिचुएशन होती है कि दे कैन बी वेरी एक्सपेरिमेंटल, दे कैन इंट्रोड्यूस द ट्रेडिशनल म्यूजिक, एंड देन वो क्या कर सकते हैं कि उसमें हमेशा ही पॉप या फंक या कुछ ऐड करके उसको थोड़ा सा एक्सेप्टेबल बनाते हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि ज्यादा ट्रेडिशनल म्यूजिक के साथ एफिलिएटेड है, सही है, ठीक है। तो मुझे लगता है जो थोड़ा सा कमी रह गई है ना वो आपने बड़ी जो आपने लिरिक्स वाली, मुझे लगता है कि जो लिरिकल कंटेंट है ना इन गानों का स्पेशल हमारे रीजन में बनते हैं वो बहुत वीक है। ट्रू, मतलब तू मानो ना मैं से हमें थोड़ा सा निकलना पड़ेगा और हमें अब उन उर्दू में नहीं, मत आप अब मैं मतलब किसी को डायरेक्टली नहीं कर रहा, हम जस्ट नहीं मैं ये मैं ओपनली कहता हूं कि छूले आसमान जिंदगी उड़ जाए इतने आज जी लें जरा अब बहुत हो गया इसका। हाँ, मतलब थोड़ा सा हमें थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लिरिक जो लोग अपनी जिंदगी के साथ कनेक्ट कर सके, एंड देयर इज टू मच टू टॉक अबाउट, इज जस्ट कि आप थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाएं तो बैठे बैठे चीजें मिल जाती हैं। मुझे लगता है जब लिरिकल कंटेंट ऐसा होगा ना जो कि लोगों के साथ रिलेट करेगा, देखें म्यूजिक तो हम मतलब कोई किसी भी तरह की मेलोडी बना सकते हैं, जैसे एक दिन मेरा दोस्त बैठ के खरीफ बजा रहा था तो मैंने उसके ऊपर एक पुराना गाना था जिसमें मर्दों के वादे झूठे, ये कोई गाना था ना नूरजहां मैडम का गाना था पुराना, तो मैं वो ना उसने कोई बड़ी फंक से रिफ बजाई और मैं उस पे शुरू हो गया ओ मर जानी है इस तरह करके, वो मैंने उसको तो उस पे था मर दांदे वादे झूठे झूठा हुंदा प्यार वे, यू नो, तो हम उसको कहीं और फिर लेके चले गए। तो आई थिंक लिरिकली म्यूजिक आप जिस तरह का मर्जी करो, लेकिन वो कम अज कम आप जिन लोगों और मुझे लगता है पहले हमें ये भी क्लियर करना चाहिए कि यार बहुत सारे लोग यहाँ पे हम एज एन आर्टिस्ट हमें ये लगता है कि यार म्यूजिक में हम अपने लिए कर रहे हैं। देखें अगर मैं फॉर एग्जांपल आई एम ब्लेम टू मेक मोस्ट ऑफ द टाइम कमर्शियल सॉन्ग, तो मेरे अंदर से नेचुरली कमर्शियल म्यूजिक आता है, मैं कोई कोशिश नहीं करता बैठ के कि चलो यार एक कमर्शियल गाना गाई, चलो यार एक सूफी, ऐसे थोड़ी वो तो आमद आती है।
तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा लिखते वक्त, और अगर आपको लगे कि आप नहीं लिख सकते, तो यार देयर इज नो हार्म कि आप एक प्रोफेशनल, एक ऐसे बंदे को उठाएं जिसने डेडिकेट कर दी अपनी जिंदगी लिरिक्स लिखने में, उसको उठा लें यार, और उसका भी थोड़ा रोजगार चल जाएगा और वो आपको एक ऐसी चीज लिख के दे देगा। और फिर ये है कि आर्टिस्टों को ना पता नहीं होता कि उनको करना क्या है, जिस दिन ये वाली दायरा आपका टिक हो जाए ना, फिर यू आर इन अ गुड। लेकिन बिलाल आप नहीं समझते कि ये जो जिस काम की हम बात करते हैं ये तो अता है, ये तो अल्लाह की अता होती है आपको, ये कभी कभी अल्लाह की अता मेहनत से भी नहीं मिलती, अल्लाह की अता फजल से मिल जाती है, लेकिन मेहनत से नहीं मिलती। आप पे फजल होगा तो आपको बगैर मेहनत किए भी मिल जाएगा, और अगर आप पे फजल नहीं है तो आप लाख सारी जिंदगी मेहनत करते रहे तो आप शायद वो ना अचीव कर सके। तो आपको लगता है कि जो फन है, फन मतलब फन के इसमें ये अता का काम है, और इसके अंदर हर जगह पे आपको फनकार और हर जगह पे अच्छा आदमी मिलना मुनासिब नहीं है, पॉसिबल नहीं है? Do you think so? मुश्किल है ना, ये मुश्किल है। और मैं तभी कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा अगर वो क्या करते हैं, मैं अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास ना देयर इज दिस गाय वर्क्स फॉर मी, तो उसको बहुत शौक था गाने का ना, तो लाइक 6-7 इयर्स बैक ही केम टू मी, और वो मेरे घर के पास बाहर आके ना खड़ा हो जाता था। मैं कहता था डेली आ जाते हो, तो कहता था यार मुझे ना आप अपना शागिर्द बना ले। मैं कह मैं कैसे शागिर्द बनाऊ, मैं मुझे तो खुद मैं सीख रहा हूँ, मतलब खुद कर रहा हूँ। बट देन मैंने उसको घर पे ही एक छोटा मोटा काम दे दिया, मैंने कहा चलो म्यूजिक के साथ कनेक्टेड रहेगा। अच्छा फिर उसको उसको गिटार का शौक था, तो वी मैनेज्ड एंड गेटिंग अ गिटार, तो वो अभी ही राइट्स हिज सॉन्ग और वो गिटार भी प्ले करता है। लेकिन अब उसको ये लगता है कि यार इतने साल से बिलाल भाई ने तो मेरे लिए कुछ किया नहीं है, तो देन मैं उसको कह रहा था, मैं कह रहा था, तो वो मुझे कह रहा कि यार मैं ना मैंने पैसे जमा किए, मैं कहीं और जाकर गाना बनवा लेता हूँ। मैंने कहा देखो पता क्या आता है, एक गाना गा देना वोंट मेक यू एन आर्टिस्ट, तो ये जर्नी जो तुम्हारी ना दिस विल मेक यू समथिंग। और क्या होता है, इम्पेशेंट होते हैं लोग, इफ यू टेल देम द राइट वे, कि देखो यार मैं हर किसी को कहता हूँ अगर आपने म्यूजिक करना है ना तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज यू मेक योर ओन म्यूजिक, इससे बेहतर कोई चीज ही नहीं है। लाइक व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन म्यूजिक, तो आप खुद को भी एक्सप्लोर करेंगे और आप सीखते जाएंगे साथ साथ। लेकिन लोगों को लगता है यार तो सानू लंबे पासे पा रहे हैं यार, 3 महीने चाहे मेरे को पैसे नहीं तुझे पढ़ो तो मैंने स्टार्ट किया, ऐसे तो नहीं यार बिलाल। मेरे नाल ते बड़ी भैड़ी होंगी जो, और मैं गाने कुछ लिख देना अगो मैं कहते हैं भैन ने गाना कि नहीं लिखे कि कलाम है। अच्छा यार लिखा कि नहीं लिखे भाई, बड़ा अच्छा लिखा भाई, कितना पुराना कलाम है। मैं कहो नहीं भाई ये भी लिखा है, अभी भी लोगों को नहीं पता है कि क्रेडिट्स गाने के पीछे कौन लोग क्या क्या काम कर रहे होते हैं, तो ये इसके बारे में भी लोगों को पता। लेकिन बिलाल सेठ के जितना म्यूजिक है उसके अंदर बिलाल का जो राइटअप, बिलाल के जो लिरिक्स हैं वो बिलाल का अपना थॉट है, बिलाल किसी से हायर नहीं करता, बिलाल किसी से लेता नहीं है वो। तो बिलाल जितने भी बिलाल की कामयाबी है वो बिलाल के अपने दिल सीने अपने दिमाग और रूह का काम है बेसिकली। तो बेसिक मैं कहना चाह रहा हूँ जो हमारे देख रहे हैं कि देखें किसी से मदद ली जा सकती है लेकिन किसी से उसकी शख्सियत नहीं खरीदी जा सकती, आप समझ रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि 2 करोड़ पे ले लो अपनी शख्सियत दे दो, ये आप खुद नहीं कर सकते, आपकी शख्सियत आपने खुद बनानी है। बिलाल ने भी जैसे बोला कि गाने का थॉट, गाने की आमद, इन सब चीजों को आपको खुद समझना है और इसी में मेहनत है, और ये आपने खुद करना है। वो रसूलुल्लाह भी कहा है ना कि अपना काम खुद करो, ये वो है कि अपना काम पहले खुद कर लो उसके बाद उस पर दूसरों की इनपुट लेकर आओ, दूसरों की मदद को इंक्लूड करो। तो बिलाल बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं बड़ा कहता हूं कि सॉन्ग राइटिंग अपनी होनी चाहिए। बिलाल आपका फेवरेट पाकिस्तानी, मेरे बिस्मिल्लाह लाइक ट्राई की और मैं यकीन लाइक आई वुड लव टू सिंग, जैसे मैंने आपको पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि यार आप मेरे लिए ना अपने जिस तरह के आप गाने गाते हैं जैसे धूल उड़ती है या तन्हाई, तो कोई ऐसा मुझे मौका दे मैं आपके लिए गाना चाहूंगा, बड़ा मेरा दिल होगा और आई विल बी रियली हैप्पी। आई वुड लव टू डू, कि मुझे जो पता चले ना कि यार, क्योंकि मैं ज्यादा अगर मैं खुद जैसे आप एक आर्टिस्ट है तो यू विल बी इंटरेस्टेड कि यार अगर बिलाल के साथ मैं काम करता हूँ ना तो मुझे बिलाल जैसी बिलाल का फ्लेवर मिले। अगर आप मुझसे काम करके कहें ना यार ऐसे ही गाना बना दे पीरा वे पीरा, तो अब मैं कहूंगा भाई उसके उस्ताद तो आप हैं, यू नो। तो मैं भी आई वुड लव टू सिंग, आई वुड लव के मुझे कोई लिख के ऐसी चीज दे के मैं कहूं कि यार वाह क्या लिखा है, आई वुड लव टू सिंग इट। मैं तो बिल्कुल यार वही बिलाल मैं कह रहा हूँ कि शायरी का बड़ा बड़ा अमल दखल है, अक्सर हमारे लोग ना वो भूल जाते हैं कि शायरी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा बिलाल जाते हैं, हमारा टाइम हो रहा है, तो एक तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका कोई मैसेज हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए, हम लोग उसको एक बिल्कुल पहुंचाना चाह रहे हैं, कोई क्या जो नए बच्चे भी गाना आने हैं और आपके क्या आप उनको बोलेंगे नए टैलेंट को, क्योंकि बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी हैं और टीनेज हैं, कुछ हमारी उम्र के भी हैं,
तो उनके लिए क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे, एनीथिंग दैट यू वांट टू मैं इनको कहना चाहूंगा कि जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की तो यकीन करें मैं इतना बुरा गाता था कि कि एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यू कैन बी अ गुड कंपोजर बट यू कैन नॉट बी अ गुड सिंगर. तो मैंने अब जब अपनी आवाज को सुनता हूँ पीछे तो मुझे वाकई पता चलता है कि मैं कितना बुरा गाता था और वो लोग बिल्कुल ठीक कहते थे. आई वुड से कि अगर आपके दिल से आवाज आ रही है ना और आपको लग रहा है कि यार मेरे में वो है और मैं वो करके दिखाऊंगा तो प्लीज डोंट लेट एनीबॉडी टेल यू यू कैन डू इट. फेथ रखें और गिव अप नहीं आपने करना अपनी ड्रीम्स पे कभी, क्योंकि जो अपनी अगर ड्रीम्स को फॉलो करते हुए आप नहीं जी रहे ना तो आप अपनी मीनिंगलेस जिंदगी जी रहे हैं. यू आर हेयर, जब तक हम यहाँ पे हमें अपने दिल से जीना चाहिए और अपने ड्रीम्स को जरूर फॉलो करना चाहिए. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगे. सो आई विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट. बिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हालांकि आपके गाने की बहुत फरमाइश है लेकिन ये हमारा जो चैट होती है इसमें सिंगिंग का कोई अमल दखल नहीं है, इसमें गुफ्तगू ज्यादा. और अगर आप चाहें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहें तो बारी की दो तीन लाइना सुना दो. नहीं क्या कहते हैं परंपरा जो चलती आ रही है मैं उसको बिल्कुल नहीं लाना चाहूंगा. बिल्कुल सही. फिलहाल बहुत 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 शुक्रिया. और आपसे और भी हम लोग चाहेंगे कि आपकी कुछ सरप्रस्ती ली जाए इस प्रोग्राम में हमारे time, तो वो बहुत लाजमी है. बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल, बहुत मजा आया बात करके. और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो बिरयानी जरूर खाएंगे. और इंशाल्लाह बिरयानी और अच्छी टाइट वाली पंजाबी वो भी खिलाऊंगा आपको इंशाल्लाह. कराची में कहते हैं टाइट बिरयानी है भैया, बहुत टाइट बिरयानी है भैया, अबे बहुत अच्छी बिरयानी यार, लश है वो. सर थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. और मेरी तरफ से आइडल ऑनलाइन की टीम की तरफ से, आइडल ऑनलाइन के कंटेस्टेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी और जरूर मिलेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू.